चलिए गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और मेरा वीडियो क्लियर है? क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चल गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून उमेश चंद्र, उमेश चंद्र दो लोग क्लास कर रहे हो आप लोग? और बिल्कुल गांव वाली फीलिंग, सर पैर लग गई और ये सब चीजें चल रही हैं। चल तो चलिए, कल हम लोगों ने टू पोर्ट नेटवर्क हम लोग पढ़ रहे थे, और टू पोर्ट नेटवर्क में मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर या फिर एबीसीडी पैरामीटर कैसे निकाले जाते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड सर्किट के मैंने आपको एबीसीडी पैरामीटर आपको निकाले थे, वो याद होने चाहिए। पहला जो मैंने आपको स्टैंडर्ड सर्किट का एबीसीडी पैरामीटर निकलाया था कि अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है और उस टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास एक सीरीज आर्म है, और अगर सीरीज आर्म का आपको इम्पीडेंस मालूम है तो आप उस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकाल सकते हैं। इसके एबीसीडी पैरामीटर कितने आते थे, दैट इज ए पैरामीटर आता था 1, बी पैरामीटर आता था जेड, सी पैरामीटर आता था 0 और डी पैरामीटर आता था 1। उसके बाद दूसरा स्टैंडर्ड सर्किट हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है जिसमें आपके पास संट ब्रांच है, और संट ब्रांच का अगर आपको एडमिटेंस मालूम है तो भी आप इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर आपने कैलकुलेट किए थे, और एबीसीडी पैरामीटर में ए पैरामीटर आ रहा था 1, बी पैरामीटर आ रहा था 0, सी पैरामीटर आ रहा था 1 और डी पैरामीटर आ रहा था 1। उसी तरह हम लोगों ने इन्वर्टेड एल, या फिर आपके पास आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एक मॉडल होता है दैट इज कॉल्ड इंड कंडेंसर, ठीक है? तो आपके पास इन्वर्टेड एल में आपके पास दोनों ब्रांच होती हैं, सीरीज आर्म भी होती है और आपके पास संट ब्रांच भी होती है। अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है जिसमें सीरीज आर्म भी है और संट आर्म भी है, अगर सीरीज आर्म का इंपीडेंस जेड है, संट आर्म का एडमिटेंस वाई है, तो इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर हम लोगों ने निकाले थे, जिसमें से ए पैरामीटर आ रहा था 1 प्लस वाई जेड, बी पैरामीटर आ रहा था जेड, सी पैरामीटर आ रहा था वाई और डी पैरामीटर आ रहा था 1 के बराबर। और ये जो इन्वर्टेड एल होता है वो आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने आपका ट्रांसफॉर्मर के एबीसीडी पैरामीटर निकाले थे। अगर ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो n:1 दिया हुआ है तो इस ट्रांसफॉर्मर के एबीसीडी पैरामीटर हम लोगों ने निकाले थे। ए पैरामीटर आ रहा था n के बराबर, बी पैरामीटर आ रहा था 0 के बराबर, सी पैरामीटर आ रहा था 0 के बराबर और डी पैरामीटर आ रहा था 1/n के बराबर, ठीक है? जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो कभी भी सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है? अच्छा, ये जो मैंने रूल आपको बताया है कि अगर आपके पास एक सर्किट डायग्राम है उसमें डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तब मेरा जो टू पोर्ट नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करते थे कि हम अपने सेंटर से एक वर्टिकल लाइन खींचते थे, और सेंटर से अगर आप एक वर्टिकल लाइन खींचे और ये वर्टिकल लाइन आपके टू पोर्ट नेटवर्क को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, या फिर एक पार्ट दूसरे की मिरर इमेज हो, तो आपका गिवन टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल होता था। ये सेंटर से वर्टिकल लाइन खींचने वाले जो कॉन्सेप्ट है वो आपके प्लेनर नेटवर्क के लिए वैलिड होता है। प्लेनर नेटवर्क अगर आपको दिया है, मतलब एक ही प्लेन में सारे के सारे एलिमेंट अगर एक ही प्लेन में है और सर्किट डायग्राम आपको दिया है, तो आप जो है क्या करेंगे कि सेंटर से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और वर्टिकल लाइन खींचने के बाद आपका जो सर्किट है अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो गिवन नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल प्लेनर नेटवर्क में लगता है, मतलब आपके सारे के सारे एलिमेंट एक ही प्लेन में हो। अगर नॉन प्लेनर नेटवर्क होगा, जैसे आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय क्यूब वाला सर्किट पढ़ा था, क्यूब आपका नॉन प्लेनर सर्किट होता है, मतलब एक प्लेन में सारे के सारे रेजिस्टेंस नहीं होते हैं, ठीक है? तो अगर आपका नॉन प्लेनर नेटवर्क है तब आप जो है सेंटर से वर्टिकल लाइन खींच के आप सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क को नहीं बता पाएंगे। ये चीज सबने आपको बताई होगी जब आपको सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा रहे थे, ठीक है?
कि कभी भी प्लेनर नेटवर्क है, प्लेनर नेटवर्क की सिमेट्रिसिटी को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि सेंटर से एक वर्टिकल लाइन को खींचते थे, और वर्टिकल लाइन खींचने के बाद अगर सर्किट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो सर्किट सिमेट्रिकल होगा, अदरवाइज आपका नॉन सिमेट्रिकल होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल प्लेनर नेटवर्क के लिए, अभी तक मैंने जितने भी टू पोर्ट नेटवर्क लिए हैं वो आपके प्लेनर नेटवर्क लिए हैं, प्लेनर टू पोर्ट नेटवर्क, तो आपका कॉन्सेप्ट वैलिड हो जाता था, ठीक है। अभी आगे चल के हम लोग जो है शाम को आपका जो है एक 3D स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको हम बोलते हैं लैटिस नेटवर्क के टू पोर्ट नेटवर्क, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। नॉर्मली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो उसके हम लोग फार्मूले ड्राइव कर लेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो उन फार्मूलों को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वहां पर वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, तो ये चीज आप क्लियर रखेंगे, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे। जहां फेल होंगे वहां मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट आपका वैलिड होने वाला, ठीक है। अभी तक हमें किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के 5 पैरामीटर कैसे निकाले जाते हैं, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, जी पैरामीटर और एबीसीडी पैरामीटर, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग लास्ट अपने टू पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर निकालने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर या फिर ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पैरामीटर, ठीक है। चलिए लिखिए इसके बारे में, और कुछ मैं नोट्स भी लिखा हूं, नोट, ठीक है, उन सब चीजों को याद रखेंगे। चलिए लिखना स्टार्ट करें, दैट इज 6 पैरामीटर और ये लास्ट पैरामीटर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लगभग 70% टू पोर्ट नेटवर्क आपका कंप्लीट है, 30% में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एक टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम है तो वाई पैरामीटर कैसे निकाले जाते हैं, उसी टू पोर्ट नेटवर्क के अगर एच पैरामीटर मालूम है तो एबीसीडी पैरामीटर कैसे, मतलब इंटरकन्वर्जन एक पढ़ना है और एक हमें कनेक्शंस पढ़ने हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क के हम कैसे कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, दो ही टॉपिक आपके हैं, और एक हम लोग आज पढ़ेंगे लैटिस नेटवर्क शाम को, तीन टॉपिक आपके बचे हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन या 4 दिन में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका टू पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज टी डैश, दैट इज टी डैश पैरामीटर, या फिर इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन, इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, या फिर जो आपके पास इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर होते हैं जो एक 2x2 का मैट्रिक्स होता है जिसमें हम पहला एलिमेंट कंसीडर करते हैं ए डैश, दूसरा एलिमेंट कंसीडर करते हैं बी डैश, तीसरा एलिमेंट कंसीडर करते हैं सी डैश और चौथा एलिमेंट कंसीडर करते हैं डी डैश, ठीक है। इसलिए हम इस टी डैश या फिर इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर को हम लोग क्या भी नाम बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पैरामीटर। कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, नॉर्मली क्वेश्चन आता नहीं है तो एक क्वेश्चन हम लोग इससे बस इस टॉपिक से डिस्कस करेंगे, और वो भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, दैट इज द स्टार कनेक्शन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है जिसके आपको इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर निकालना है, ठीक है। तो आई कैन बी कंसीडर ए टू पोर्ट नेटवर्क, नाउ आई कैन बी कंसीडर ए टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज ए टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज इनपुट पोर्ट एंड दिस इज योर आउटपुट पोर्ट, दिस इज योर आउटपुट पोर्ट, ठीक है। अब जो है आपको इस टू पोर्ट नेटवर्क के इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर निकालने हैं, तो अगर मुझे इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर निकालने हैं तो मुझे इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर मानने पड़ेंगे चार। आपके इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में 4 एलिमेंट होते हैं, पहला एलिमेंट होता है ए डैश, दूसरा एलिमेंट होता है बी डैश, तीसरा एलिमेंट होता है सी डैश और चौथा एलिमेंट होता है डी डैश। तो मैं अगर मुझे मैंने अपने इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एलिमेंट कंसिडर कर लिए हैं तो मैं इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर को मैट्रिक्स के फॉर्म पे लिख सकता हूं, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द टी डैश मैट्रिक्स, टी डैश मैट्रिक्स, टी डैश पैरामीटर मैट्रिक्स हैविंग द 2x2 मैट्रिक्स हैविंग द फर्स्ट कंपोनेंट इज ए डैश, सेकंड कंपोनेंट इज बी डैश, थर्ड कंपोनेंट इज सी डैश एंड फोर्थ कंपोनेंट इज डी डैश। ये मैंने मान लिए हैं,
मुझे इसके इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर निकालने थे, तो मैंने इसके इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एलिमेंट कंसीडर, चार एलिमेंट होंगे, किसी भी पैरामीटर में चार एलिमेंट होते हैं, पहले एलिमेंट वाला है ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश, ठीक है। अब मुझे ये पैरामीटर निकालने हैं, ठीक है, आपको इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर निकालने, तो पैरामीटर निकालने के लिए सबसे पहले आप इनपुट और आउटपुट पोर्ट में वोल्टेज की रेफरेंस पोलैरिटी और रेफरेंस करंट डायरेक्शन क्या करते हैं आप लोग जो है मार्क करते हैं। सर हेडिंग रिपीट कर दीजिए बेटा, यही हेडिंग लिखी हुई है ऊपर, दैट इज टी डैश पैरामीटर या फिर इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, ठीक है। तो नाउ मैं इनपुट पोर्ट पे जो वोल्टेज की पोलैरिटी होता है ऊपर प्लस नीचे माइनस कितना वोल्टेज मानते हैं V1, और बेटा इनपुट पोर्ट पे आप कितना करंट मानते हैं I1 करंट मानते हैं। इनपुट पोर्ट के एक टर्मिनल से I1 करंट इन करेगा, हमेशा करंट की डायरेक्शन टू पोर्ट नेटवर्क में कैसी मानेंगे, हमेशा इनसाइड द टू पोर्ट नेटवर्क। तो पोर्ट 1 पे आपने पोर्ट 1 के एक टर्मिनल में I1 करंट इन किया है, उतना ही I1 करंट पोर्ट 1 के दूसरे टर्मिनल से क्या करेगा लीव करेगा। पोर्ट 2 पे वोल्टेज की रेफरेंस पोलैरिटी में ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, और कितना वोल्टेज मानते हैं दैट इज V2 वोल्टेज मानते हैं, और करंट कितना मानते हैं I। करंट हमेशा कैसे लेंगे इनसाइड द टू पोर्ट नेटवर्क, और पोर्ट 2 के एक टर्मिनल में I2 करंट अगर इन करेगा तो पोर्ट 2 के एक टर्मिनल से I2 करंट क्या भी करेगा लीक करेगा, ठीक है। चलिए अगर बेटा हाँ, अब आप देखेंगे कि आपने अपने टू पोर्ट नेटवर्क के इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर डिफाइन कर रखे हैं। इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के केस में अगर आपको किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के आपने इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन या फिर ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश पैरामीटर डिफाइन कर रखे हैं, या फिर आपको इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर मालूम है, तो आप उस टू पोर्ट नेटवर्क में V2 और I2 की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। किसकी वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं V2 और I2 की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश पैरामीटर से डिफाइन कर रखा है, तो इन द केस ऑफ इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर दैट इज V1 और I1 आपके कैसे आप वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और V2 और I2 आपके कैसे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं इन द केस ऑफ टी डैश पैरामीटर, इन द केस ऑफ टी डैश पैरामीटर V1 एंड I1 are considered independent variable। कैसे variables होते हैं बेटा, V1, I1 आपके independent variables होता है, मतलब अगर आपने टू पोर्ट नेटवर्क को ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश पैरामीटर के हेल्प से डिफाइन किया या फिर मान रखे हैं, तो V1 और I1 इनपुट पोर्ट के वोल्टेज और करंट आपको मालूम होंगे। क्या निकाल सकते हैं आप इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के केस में आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन द केस ऑफ टी डैश पैरामीटर V1 एंड I1 आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड V2 एंड I2 are considered dependent variables, ठीक है। तो ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश पैरामीटर के केस में V2 और I2 आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और V2 और I2 की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो हमेशा कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है। तो अगर आपको किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर मालूम है तो आप V2 और I2 की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। V2 बेटा किसका फंक्शन होगा, V2 इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ V1 एंड I1 होगा, और बेटा जो I2 होगा I2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो I2 भी किसका फंक्शन आएगा V1 एंड I1। और जब आप वैल्यू निकालेंगे V2 की वैल्यू, तो V2 की वैल्यू बेटा आएगी ए डैश V1 माइनस बी डैश I1, और बेटा जो I2 है I2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा दैट इज सी डैश
V2 minus T dash I. This is the value of V2 and I. अगर आपको किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क दी जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को आपने इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर की हेल्प से डिफाइन कर रखा है तो V2 और I2 की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। V2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? V2 की वैल्यू आएगी A-V1 minus B-I1 और I2 की वैल्यू कितनी आएगी? C-V2 minus D-I1। ठीक है, दिस इज द टू इक्वेशन। अब आप देखेंगे ये दो वेरिएबल V2 और I2 वैल्यू अगर आपने अपने टू पोर्ट नेटवर्क के इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर डिफाइन कर दिए तो V2 और I2 वैल्यू लिख सकते हैं। अब दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से आपके बेटा चार अननोन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो अननोन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि दो इक्वेशन से दो ही अननोन आपके सॉल्व हो पाएंगे। चार पैरामीटर आपको निकालने हैं, A-B-C-D-, ठीक है? C-V1, हाँ बिल्कुल V1 होगा बेटा, इतना तो कॉमन सेंस है तुम लोगों में। मैंने बताया था कि दोपहर में जब मैं क्लास देता हूँ तो नींद की वजह से गलती होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है? तो दोपहर में एक तो आप लोग मुझे जो है डिस्टर्ब ना करें, मतलब कोई भी ऐसी चीज हरकत ना करें कि जिससे मेरा माइंड अपसेट हो जाए, ठीक है? दूसरा, जब मैं दोपहर में क्लास लेता रहूं तो आप लोग बिल्कुल सजग होकर पढ़ें कि कहीं सर ने इधर सर V1 V2 कहीं इधर को तो नहीं कर दिया, ठीक है? कैलकुलेशन मिस्टेक इज वेरी वेरी हाई परसेंटेज इन द आफ्टरनून क्लास, बट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग माई माइंड इज वेरी शार्पली वर्किंग, ठीक है? तो नो प्रॉब्लम। इसीलिए जब भी दोपहर के एग्जामिनेशन होते थे तो मेरा आधा दिमाग कभी चलता नहीं था, ठीक है? दोपहर के एग्जामिनेशन में बहुत कभी क्वालिफाइड कर पाता था, मॉर्निंग में जिसका 7 बजे पेपर हो जाता था 8 बजे, उसमें मेरा दिमाग बहुत तेज चलता था, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास चार अननोन है, चार अननोन को निकालने के लिए दो इक्वेशन में काम नहीं चलेगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, आपके इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर निकालने के लिए एक बार आप I1 को जीरो करेंगे। I1 को जीरो करने का मतलब इनपुट पोर्ट के करंट को जीरो करेंगे, इनपुट पोर्ट में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर, मतलब इनपुट पोर्ट को ओपन करें। जब आप इनपुट पोर्ट I1 को जीरो करने का मतलब इनपुट पोर्ट को ओपन कर दिया, जैसे आप I1 को जीरो करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, आप दो पैरामीटर निकाल लेंगे A-C-. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A-? V2/V1 का रेशियो इज नथिंग बट कॉल्ड द A-, एंड दैट इज I2/V1 का रेशियो इज नथिंग बट द C-, ठीक है? उसी तरह एक बार आप किसको जीरो करेंगे, V1 को जीरो करेंगे। V1 जीरो करने का मतलब दैट इज इनपुट पोर्ट के टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज जीरो, मतलब उसको शॉर्ट कर देना है, ठीक है? इनपुट पोर्ट को शॉर्ट करने के बाद ये दोनों खत्म हो जाएंगे, फिर से दो पैरामीटर निकालेंगे दैट इज B- और D-. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B-? B- की वैल्यू कितनी आएगी? -V2/I1 का रेशियो इज नथिंग बट द B-, एंड दैट इज -I2/I1 का रेशियो क्या कहलाएगा? दैट इज D-, ठीक है? तो यहां पर लिख रहे हैं, तो हमेशा जब इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस बार आपको एक बार इनपुट पोर्ट को ओपन कर देना है और एक बार इनपुट पोर्ट को शॉर्ट कर देना है। इनपुट पोर्ट को ओपन करने का मतलब I1 की वैल्यू जीरो, और बेटा इनपुट पोर्ट को शॉर्ट करने का मतलब दैट इज V1 की वैल्यू जीरो, ठीक है? इतना माइंड में चलना चाहिए आपको, ठीक है? तो यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके टू पोर्ट पैरामीटर होते हैं वो कंडीशनल पैरामीटर होते हैं, कंडीशन अप्लाई करने के बाद ही निकल पाएंगे, क्योंकि दो ही इक्वेशन बनती है टू पोर्ट नेटवर्क में, दो इक्वेशन से चार अननोन कभी नहीं निकल सकते। तो जब तक कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे आप अपने टू पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दो कंडीशन हम इसे अप्लाई करते हैं, इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन या फिर A-B-C-D को निकालने के लिए आप इनपुट पोर्ट को एक बार ओपन करेंगे और एक बार आउटपुट पोर्ट को, दैट इज इनपुट पोर्ट को ओपन करेंगे और इनपुट पोर्ट को ही शॉर्ट करेंगे। तो चलो मैं इनपुट पोर्ट को ओपन करूं, दैट इज I1 की वैल्यू जीरो करूं, दैट इज इनपुट वोल्टेज ओपन सर्किट। एक बार आपको इनपुट पोर्ट को ओपन करना है और एक बार इनपुट पोर्ट को भी शॉर्ट करना, ठीक है? चलो, जब आप इनपुट पोर्ट को ओपन कर देंगे तो कौन कौन से पैरामीटर आ जाएंगे? I1 को जीरो कर दिया बेटा, I1 को जीरो कर दिया तो दो पैरामीटर आएंगे A-C-. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A-? A-A-C की वैल्यू कितनी होगी? V2/I1 का रेशियो, V2/I1 का रेशियो। तो आप देखेंगे आप जो है I1 को जीरो कर दीजिए, मतलब इनपुट पोर्ट को आपने क्या किया? ओपन करें। इनपुट पोर्ट को ओपन करने के बाद, I1 को जीरो करने के बाद आपने रेशियो निकाला V2/V1, ये रेशियो आपका A-, तो A-, क्या है? A-, क्या है? V2/V1 का रेशियो है,
जैसे v2/v1 का रेशियो, लेकिन कब, जब आपने इनपुट पोर्ट को ओपन कर रखा i1 को जीरो, तो i1 को जीरो करने का मतलब इनपुट पोर्ट को ओपन करने के बाद अपने टू पोर्ट नेटवर्क में v2/v1 का रेशियो निकालिए, वो a' पैरामीटर होगा। यूनिट क्या होगी बेटा, हेलो व्हाट इज द यूनिट, वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज है, तो दिस इज ए यूनिटलेस, यूनिट लेस क्वांटिटी। और बेटा ये क्या बताता है बेटा, v2 क्या है आउटपुट वोल्टेज और v1 क्या है इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज क्या बता रहा है, वोल्टेज के गेन को बता रहा है। a डैश पैरामीटर किसको बताएगा, वोल्टेज गेन। a डैश निकालने का मतलब वोल्टेज गेन के बारे में, वोल्टेज गेन आप निकाल रहे हैं, ठीक है। टू पोर्ट नेटवर्क खत्म हो जाएगा तो कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करूंगा इसी वालों में, ठीक है। तो वहां पर हम लोग गेन के बारे में बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। UPPCL में कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इलेक्ट्रिकल वालों को भी क्लास करनी होगी, लेकिन वो मैं 1 से 1.5 घंटे लिया करूंगा मॉर्निंग के समय, ठीक है। तो ट्रांसमिशन आपका और जनरेशन चल रहा है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, और ये 3 से 4 दिन में आपका खत्म हो जाएगा टू पोर्ट। तो हम लोग ईसी वालों का जो है दैट इज आपका कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर लूंगा, कोर सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम ईसी के लिए, बट इलेक्ट्रिकल के लिए भी अब जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। नॉर्मली आप जो है आप देखेंगे कि लोग बस थोड़ा बहुत ओवरव्यू देते हैं कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है, नॉर्मली अच्छा पढ़ाते नहीं है, बट वेरी वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट एंड वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें कोई ऐसा थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, हर एक चीज में आपको चीजें समझेंगी। जो चीज आपने नेटवर्क पढ़ी है टाइम डोमेन में, सेम हम लोग नेटवर्क पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम में एस डोमेन में, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के बाद आप देखेंगे नेटवर्क के कई सारे क्वेश्चंस आपको है एस डोमेन से भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ट्रांजिएंट आपको पढ़ना होगा, पूरा पूरा ट्रांजिएंट है, जब आपको सर ट्रांजिएंट पढ़ाएंगे BEE 3 पे तो आपको एस डोमेन का जरूरत पड़ेगा, और वहां पर आपको उसका जो है असली मतलब समझ में आएगा कि कितना पावरफुल टूल होगा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ क्लासेज ली है, लेकिन आप लोगों ने जो है उनको जो है ज्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं है, कायदे से पढ़ना चालू कर दीजिए, जो लाप्लास उसी के आगे से स्टार्ट करूंगा, रिवाइज नहीं करूंगा। लाप्लास की क्लासेज जितनी मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लीज रिवाइज ऑल दी क्लासेज बिकॉज आई कैन नॉट बी रिपीट द कॉन्सेप्ट, जितना मैं पढ़ा चुका हूँ उतना मैं आपका रिपीट नहीं करूंगा। DFCCIL के सिलेबस में कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है बेटा, हर एक एग्जामिनेशन में आप देखेंगे, चाहे आप राजस्थान का दे लीजिएगा, चाहे आप UPPCL के ले लीजिएगा, या फिर आप कोई भी पब्लिक सेक्टर ले लीजिएगा, अभी आप PGCIL का एग्जामिनेशन देखने जा रहे हैं, उसमें भी आप देखेंगे कंट्रोल सिस्टम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। चलो नाउ एक बार आपने इनपुट पोर्ट को, हाँ यहाँ पर आप इनपुट पोर्ट को आपने ओपन किया, इनपुट पोर्ट को ओपन करने का मतलब I1 की वैल्यू क्या कर दी, जीरो। I1 की वैल्यू जीरो करने पे एक तो आपका a' आएगा, दूसरा क्या आएगा c'। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c'? I2/V1 का रेशियो। लेकिन I2/V1 का रेशियो कब, जब I1 क्या है जीरो, I1 को जीरो मतलब इनपुट पोर्ट को ओपन करने के बाद ही ये आपका जो है रेशियो कैलकुलेट हो पाएगा। अगर I1 आपके पिक्चर में रहेगा तो यू कैन नॉट बी कैलकुलेट द c', क्योंकि एक इक्वेशन है, अगर ये जीरो नहीं हुआ तो एक इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इनपुट पोर्ट को ओपन करने के बाद आप I2/V1 का रेशियो निकाल लीजिएगा, तो वही आपका c' पैरामीटर होगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द इनपुट पोर्ट को ओपन करने के बाद आपको रेशियो निकालना है I2/V1 का रेशियो, या I2/V1 का रेशियो कौन सा पैरामीटर है, दिस इज नथिंग बट द c' पैरामीटर। व्हाट द यूनिट ऑफ c' पैरामीटर, c' पैरामीटर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज, एडमिटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो अगर कोई इसकी यूनिट पूछे तो यूनिट होगी मोह, या फिर आप बोलिए सीमेंस, ठीक है, मोह या फिर सीमेंस। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। एक बार तो बेटा मैंने इनपुट पोर्ट को ओपन कर दिया, इनपुट पोर्ट को ओपन कर दिया, दो पैरामीटर आपके आ गए। अब मैं क्या करूं, एक बार इनपुट पोर्ट को शॉर्ट करूंगा, इनपुट पोर्ट को शॉर्ट करने का मतलब v1 की वैल्यू जीरो, तो नाउ v1 इक्वल टू जीरो, v1 इज इक्वल टू जीरो मतलब दैट इज आउटपुट पोर्ट एच शॉर्ट सर्किट,
आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करेंगे मतलब V1 को जब आप जीरो कर देंगे, देखो बेटा V1 को जीरो करने के बाद फिर से दो पैरामीटर आएंगे बी डैश और टी डैश, बट जब वैल्यू ऑफ बी डैश की वैल्यू कितनी आएगी V2 बाई I1 का रेशियो। तो आप देखेंगे ये रेशियो आप तभी निकाल सकते हैं जब V1 जीरो होगा, मतलब इनपुट पोर्ट शॉर्ट होगा, मतलब V1 को जीरो करने के बाद टू पोर्ट नेटवर्क में आप रेशियो कैलकुलेट करिए माइनस V2 बाई I1 का रेशियो। ये पैरामीटर कौन सा पैरामीटर होगा इंपोर्ट लिखना है कहीं मैंने गलत लिख दिया क्या? इनपुट लिखना है, आप ये इनपुट ही तो लिखा है। अच्छा ये आउटपुट पोर्ट कर दिया, ओके। हाँ देखो दोपहर है, ठीक है दोपहर है, ध्यान रखें अगर मैं इधर उधर लिखा दूं तो आप लोग मुझे बिल्कुल बता दें, ये नहीं कि सर को आता नहीं है, ठीक है बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग जो है दोपहर के समय नींद मुझे बहुत तेज आती है, ठीक है मेरी हेल्थ का राज यही है दोपहर की नींद। चलो दिस इज इनपुट फॉर दिस आल्सो, ठीक है चलो मैं ध्यान रखूंगा कि गलत ना लिखूं। हाँ चलो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने इनपुट पोर्ट को सॉर्ट किया तो एक तो बी डैश आएगा दूसरा डी डैश आएगा, तो बेटा इनपुट पोर्ट मतलब V1 को आप क्या कर दिए जीरो कर दिए इनपुट पोर्ट को सॉर्ट करिए। उसके बाद एक रेशियो निकालिए, कौन सा रेशियो बेटा माइनस I2 बाई I1 का रेशियो, माइनस I2 बाई I1 का रेशियो कौन सा पैरामीटर है डी डैश, और डी डैश क्या है बेटा दैट इज करंट डिवाइडेड बाय करंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, दिस इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी। साथ ही साथ आपका जो डी डैश है वो किसके बारे में बताएगा आउटपुट, I2 क्या आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट दैट इज कॉल्ड करंट गेन, दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंट द डी डैश, किसको बता रहा है करंट गेन को बता रहा है, करंट गेन, दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट करंट गेन, ठीक है। सर्किट भी कहीं गलत लिख दिया क्या, अब कहीं गलत लिखा हो तो तुम लोग उसको सही कर लेना, ठीक है। तो दो बार कंडीशन अप्लाई करेंगे, एक बार हम इनपुट पोर्ट को ओपन करेंगे और एक बार हम इनपुट पोर्ट को सॉर्ट करेंगे। जब मैं इनपुट पोर्ट को ओपन करूंगा तो मेरे पास ए डैश और सी डैश आ जाएंगे, और एक बार मैं इनपुट पोर्ट को सॉर्ट कर दूंगा, सॉर्ट करने के बाद मेरे पास बी डैश और डी डैश आ जाएंगे, ठीक है। अब एक बार अपने अगर जो है किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पैरामीटर निकाल लिए, इन पैरामीटर के बीच में रिलेशन को देख के आप जो है बता सकते हैं कि गिवन टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा या सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, रेसिप्रोकल होगा कि नॉन रेसिप्रोकल होगा, उसके लिए भी हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं। तो इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कंडीशन लिखा लेता हूं। अगर इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर कैलकुलेट करने के बाद अगर ए डैश की वैल्यू डी डैश के बराबर है तो गिवन टू पोर्ट नेटवर्क एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ए डैश डी डैश माइनस बी डैश सी डैश की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है तो दैट इज आपका जो गिवन टू पोर्ट नेटवर्क है वो एक रेसिप्रोकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इतना हो गया, आगे बढ़े, चलिए नोट करके लिखे, दो नोट लिखे, नोट लिखे, पहला नोट लिखे इफ इफ ए डैश मतलब इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर कैलकुलेट करने के बाद अगर ए डैश पैरामीटर किसके बराबर है डी डैश पैरामीटर के बराबर, इफ ए डैश पैरामीटर इज इक्वल टू डी डैश पैरामीटर देन द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड
represent a symmetrical two port network. Symmetrical two port network. ठीक है, नोट नंबर टू लिख लीजिए. इफ ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पैरामीटर निकालने के बाद अगर ए डैश डी डैश माइनस बी डैश सी डैश या फिर दिस इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पैरामीटर मैट्रिक्स. ठीक है, इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट. इस डिटरमिनेंट को निकालेंगे तो क्या आएगा, ए डैश इंटू बी डैश माइनस बी डैश इंटू सी डैश, सेम चीज आई. या फिर इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ टी डैश पैरामीटर मैट्रिक्स. अगर बेटा आपके इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एलिमेंट निकालने के बाद अगर मैं कैलकुलेट करूं डिटरमिनेंट ऑफ टी डैश पैरामीटर मैट्रिक्स या फिर दैट इज ए डैश डी डैश माइनस बी डैश सी डैश, अगर इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, अगर इसकी वैल्यू आ जाए कैलकुलेट करने पे वन, देन द गिवन देन द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क इज ऑलवेज represent a reciprocal two port network. Reciprocal two port network क्या करेगा, represent करेगा. ठीक है, अब जो है मैं कुछ नोट लिखा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है क्योंकि तो आगे कन्वर्जन में इसकी जरूरत पड़ेगी. कई बार जो है ये चीजें टीचर्स गलत लिखा देते हैं, लेकिन जो मैं आपको चीजें बोल रहा हूं 100% ट्रू है. बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, पहले इतना लिख लीजिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं. वैसे अब तुम लोग जो है ऑनलाइन में है, म्यूचुअल हो गया होगा क्यों? हाँ हो गया है. अब जो है तुम लोग को ऑफलाइन जैसी फीलिंग आने लगी होगी, ऑनलाइन में नहीं आ रही है. आ रही है ना, रेगुलेटरी भी अब बनने लगी हुई कि हाँ क्लास चल रही है जो है. ठीक है चलो, अब पहला चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए एक टू पोर्ट नेटवर्क है आपके जो है, जो मैंने बताया था कि जेड पैराम नो नो सर अच्छा नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं. अगर नहीं आ रही, जिनको फीलिंग नहीं आ रही है, तो दे आर कम इन द ऑफलाइन. ठीक है, इफ सम स्टूडेंट हैविंग द गुड फीलिंग इन द ऑनलाइन तो दे आर कंटिन्यू द ऑनलाइन. ठीक है, नहीं आ रही है. और बेटा तुम लोग तो बोलते हो कि जो है अगल बगल जो है ऑनलाइन क्लासेज है, सिलेबस बुक आगे उनके तो पिछले साल के लेक्चर रिकॉर्डेड है, लेक्चर रिकॉर्ड करके हम भी डाल सकते हैं. एक दो लेक्चर डाला था तो तुम लोग का मुंह बन गया था कि नहीं सर रिकॉर्डेड लेक्चर में मजा नहीं आ रहा है. ठीक है, ऑनलाइन में जो है जब तक आप जो है प्रेजेंटली नहीं पढ़ाएंगे तो फिर चीजें हो नहीं पाती है. शिवम सिंह कह रहे हैं कि ऑनलाइन बेस्ट है सर, आने लगेगा धीमे धीमे फीलिंग आने लगेगी. हाँ देखो, ऑफलाइन में क्या होता है कि सामने टीचर होता है, स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर अपना बेस्ट एफर्ट देता है क्योंकि तुम लोग को देख के एनर्जी आ जाती है टीचर के अंदर. अब तुम लोग अपना कैमरा बंद कर ले तो एनर्जी तो वैसे भी लो हो जाती है जो है, इसलिए कैमरा ओपन रखा करो. मेरे सामने जब तक स्टूडेंट नहीं होते तो फीलिंग नहीं आती है जो है. ठीक है, ऑफलाइन में पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए ऑनलाइन में जो है ऑनलाइन में जो है रिकॉर्डेड में मजा नहीं आ रहा था जो है, तुम लोग को भी मजा नहीं आ रहा होगा. ठीक है, चलो दोनों ही अपनी अपनी जगह बेटर है. ठीक है, अब आगे के समय में जो है दोनों ही चीज मिक्स करके ही पढ़ाया जाएगा जो है. ठीक है, कि इन फ्यूचर जो है कुछ सब्जेक्ट ऑनलाइन चलेंगे, कुछ सब्जेक्ट ऑफलाइन चलेंगे. ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स आर मेनली ऑन दैट इज ऑफलाइन. ठीक है, लेकिन कुछ जो छोटे मोटे छिटपुट सब्जेक्ट होते हैं उनको ऑनलाइन करा के जो है सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा. ठीक है, पहला चीज मैं आपको बता रहा था कि जो जेड पैरामीटर होता है और वाई पैरामीटर होता है वो हमेशा एक दूसरे के इनवर्स पैरामीटर होता है. मैंने स्टेटमेंट बोला कि अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, टू पोर्ट नेटवर्क चाहे जैसा हो, सिमेट्रिकल रेसिप्रोकल कैसा भी हो, अगर आपके पास एक जेड पैरामीटर है, जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर हमेशा एक दूसरे के
इनवर्स पैरामीटर होते हैं, मतलब अगर एक पैरामीटर आपको जेड पैरामीटर मालूम है तो आप उसी टू पोर्ट नेटवर्क के वाई पैरामीटर आप इस मेथड को फॉलो करके निकाल सकते हैं। मेथड क्या होगा कि अगर आपको जेड पैरामीटर मालूम है तो आप जेड पैरामीटर मैट्रिक्स का इनवर्स ले लीजिए तो उसी टू पोर्ट नेटवर्क के वाई पैरामीटर आते हैं, बिकॉज दे आर द इनवर्स पैरामीटर। ठीक है, उसी तरह एच पैरामीटर और जी पैरामीटर हमेशा एक दूसरे के इनवर्स पैरामीटर होते हैं। इनवर्स पैरामीटर मतलब कि अगर एच पैरामीटर मालूम है आप एच पैरामीटर मैट्रिक्स का क्या कर लीजिए, इनवर्स ले लीजिएगा तो उसी टू पोर्ट नेटवर्क के जी पैरामीटर आ जाए। ठीक है, लेकिन एच पैरामीटर दैट इज टी पैरामीटर और टी डैश पैरामीटर मतलब ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर और इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एक दूसरे के इनवर्स पैरामीटर तभी होते हैं जब गिवन टू पोर्ट नेटवर्क कैसा हो, रेसिप्रोकल हो। अगर गिवन टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो उस टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर और टी डैश पैरामीटर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। मतलब अगर आपको एक गिवन टू पोर्ट नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल है, आपको दिख रहा है कि केवल केवल आपका एनर्जी कंज्यूमिंग एलिमेंट लगा, तो अगर आपको उस टू पोर्ट नेटवर्क के टी आपको ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर मालूम, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर मालूम है या फिर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर मैट्रिक्स मालूम है तो आप ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर मैट्रिक्स का इनवर्स ले लीजिएगा तो उसी टू पोर्ट नेटवर्क के आपको इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर या फिर टी डैश पैरामीटर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर गिवन टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल नहीं है तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर मतलब टी पैरामीटर और टी डैश पैरामीटर एक दूसरे के इनवर्स पैरामीटर नहीं होता। तो जनरली बोला जाता है, जनरल वर्ड की बात की, जनरली मतलब कि अगर जो है ये जो आपका टी पैरामीटर और टी डैश पैरामीटर है ये हमेशा एक दूसरे के इनवर्स नहीं होंगे। एक कंडीशन है कि अगर गिवन टू पोर्ट नेटवर्क आपका रेसिप्रोकल है तब तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के इनवर्स पैरामीटर होंगे। मतलब एक पैरामीटर अगर मालूम है तो आप उस पैरामीटर का इनवर्स ले लीजिए तो दूसरा पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर गिवन टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स नहीं होंगे। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि टी पैरामीटर और टी डैश पैरामीटर हमेशा एक दूसरे के इनवर्स नहीं होंगे जनरली। ठीक है, एक कंडीशन है कि अगर गिवन टू पोर्ट नेटवर्क आपका रेसिप्रोकल है तब तो एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, आपके आपके रेसिप्रोकल आपका ये इनवर्स पैरामीटर हो जाए। ठीक है, तो नोट करके पहले लिखेंगे और पीछे मैंने जो आपको लिखाया था याद करने के लिए वहां भी एक करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको लिखा दिया था उसमें आपका इनवर्स पैरामीटर कंडीशन है। ठीक है, कि कंडीशन है कि अगर रेसिप्रोकल है तब तो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, अदरवाइज ये कभी आपके रेसिप्रोकल इनवर्स पैरामीटर नहीं होंगे। नोट करके लिखिए, अभी पीछे भी मैं करेक्ट करा रहा हूं, उस दिन मुझसे भूल गया था लिखवाना। ठीक है, आज मैं नोट्स पलट रहा था तो मैंने देखा कि वहां पर मैंने आपको इनवर्स लिखा दी, कंडीशन नहीं लिखा है। चलिए नोट करके लिखिए, लेकिन जो जेड और वाई होंगे वो हमेशा कोई भी उनमें कंडीशन नहीं, हमेशा एक दूसरे के इनवर्स होंगे। एच और जी हमेशा एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट लिखिए, जेड पैरामीटर एंड y पैरामीटर आर ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड को आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ऑलवेज मतलब हमेशा, कोई भी कंडीशन नहीं है, ये दोनों पैरामीटर एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ऑलवेज इनवर्स पैरामीटर मतलब एक पैरामीटर का आप इनवर्स ले लीजिए तो दूसरा पैरामीटर आ जाएगा। एक पैरामीटर आपको मालूम है उस पैरामीटर के इनवर्स ले लेंगे तो दूसरा पैरामीटर आ जाएगा, हमेशा कोई भी कंडीशन नहीं है आपके टू पोर्ट नेटवर्क, रेसिप्रोकल हो ना हो कुछ भी हो, हमेशा ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, इनवर्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ये हमेशा एक दूसरे के इनवर्स पैरामीटर है। ठीक है, दूसरा एच पैरामीटर एंड, पिछली बार जो मैंने आपको बताया था मैंने याद करने के लिए ट्रिक के लिए बताया था। ठीक है, आज मैं सारे स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, पीछे भी मैं करेक्ट करा दूंगा। एच पैरामीटर एंड जी पैरामीटर
आर ऑलवेज, ऑलवेज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इनवर्स पैरामीटर, इनवर्स पैरामीटर तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा स्टेटमेंट। टी पैरामीटर और टी डैश पैरामीटर जनरली एक दूसरे के इनवर्स पैरामीटर नहीं होते, ये एक दूसरे के इनवर्स पैरामीटर तभी होते हैं जब गिवन टू पोर्ट नेटवर्क कैसा होगा, रेसिप्रोकल होगा। अगर आपको ये कंफर्म है कि गिवन टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल है तब तो टी पैरामीटर और टी डैश एक दूसरे के इनवर्स होंगे। मतलब अगर आपको उस रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मालूम है, टी पैरामीटर के आप इनवर्स ले लीजिए तो आपको टी डैश पैरामीटर मिल जाएगा। लेकिन अगर गिवन टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल नहीं हुआ, टी पैरामीटर आपको मालूम है उसका इनवर्स लेने पे आपको टी डैश कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जनरल, पहले मैं जनरल स्टेटमेंट लिखा रहा हूं कि जनरली आपके ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर मतलब टी पैरामीटर और टी डैश पैरामीटर जनरली एक दूसरे के इनवर्स पैरामीटर नहीं है। मतलब हमेशा अगर आपको किसी टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मालूम है तो टी पैरामीटर का इनवर्स लेने पे टी डैश हमेशा नहीं मिलेगा, ठीक है, हमेशा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? अगर गिवन टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल है और आपको उसके टी पैरामीटर मालूम है तो टी पैरामीटर का इनवर्स ले लेंगे तो आपको टी डैश मिल जाएगा हमेशा। या जनरल का मतलब हमेशा बढ़ गई तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर गिवन टू पोर्ट नेटवर्क आपका नॉन रेसिप्रोकल हुआ तो टी पैरामीटर का इनवर्स करने पे टी डैश आपको कभी मिलने वाला नहीं है। तो इन जनरल, पहले आप जनरल स्टेटमेंट लिख लीजिए, यू कैन बी टेक द स्टेटमेंट, लिखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखिएगा। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं क्वेश्चन में आपको प्रूफ भी करा दूंगा, ठीक है, याद में एक बार आपको दिला दूंगा। पहला स्टेटमेंट लिखिए, इन जनरल हमेशा मतलब जो है जेड और वाई एक दूसरे के हमेशा इनवर्स होंगे, एच और जी हमेशा एक दूसरे के इनवर्स, इनमें कोई शक नहीं है। लेकिन टी और टी डैश में ये एक दूसरे के इनवर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हमेशा ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कि आपका टी और टी डैश एक दूसरे के इनवर्स है। तो जनरली जनरल स्टेटमेंट लिखना है, ABCD पैरामीटर और इसी को बोलते हैं टी पैरामीटर एंड A डैश B डैश C डैश D डैश पैरामीटर, या फिर इसको बोलते हैं टी डैश पैरामीटर आर नॉट इनवर्स पैरामीटर आर नॉट इनवर्स पैरामीटर आर नॉट इनवर्स पैरामीटर ऑलवेज यहां पर ये वर्ड आप याद रखेगा, नॉट, आपके टी पैरामीटर और टी डैश पैरामीटर हमेशा एक दूसरे के इनवर्स नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे के इनवर्स नहीं होंगे। कब ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे? अगर गिवन टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल हुआ तब 100% टी पैरामीटर और टी डैश पैरामीटर एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो मैंने यहां पर लिखा है इन जनरल, मतलब जनरली ये देखा गया है कि एबीसीडी पैरामीटर और ए डैश बी डैश सी डैश पैरामीटर हमेशा एक दूसरे के इनवर्स पैरामीटर नहीं होंगे। कब होंगे? चौथे स्टेटमेंट में लिखते हैं, इसके नीचे चौथा स्टेटमेंट लिखिएगा, चौथा स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड
रेसिप्रोकल नेटवर्क, रेसिप्रोकल नेटवर्क, देन अगर आपका दिया हुआ टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क है तब तब उस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर, उस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर जिसको बोलते हैं टी पैरामीटर, टी पैरामीटर एंड ए डैश बी डैश सी डैश पैरामीटर, और इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टी डैश पैरामीटर आर इनवर्स पैरामीटर, आर इनवर्स पैरामीटर। अगर दिया हुआ टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल है तब उसके टी पैरामीटर और टी डैश पैरामीटर एक दूसरे के इनवर्स होंगे, मतलब अगर टी मालूम है उसका इनवर्स लेने पे टी डैश आ जाएगा, टी डैश मालूम है तो टी डैश का इनवर्स लेने पे टी आ जाएगा, लेकिन ऐसा तब होगा जब गिवन टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा। अगर रेसिप्रोकल नहीं है तो टी पैरामीटर और टी डैश पैरामीटर एक दूसरे के रेस आपके इनवर्स पैरामीटर नहीं होंगे, मतलब अगर आपका गिवन टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल नहीं है तो उसके अगर आपको टी पैरामीटर मालूम है उसका इनवर्स लेने पे टी डैश नहीं आएंगे, और अगर टी डैश मालूम है उसका इनवर्स लेने पे टी पैरामीटर नहीं आए, ठीक है। अब जरा हमने पीछे कुछ लिखा था, दोनों तरह से ठीक है सर, ठीक है चलो इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं। स्टेटमेंट में बस दो लाइन आपको ऐड कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने नोट याद लिखाए हैं आगे मुझे जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली चीजें बताता चलता हूं, और अगर इतना क्लियर बताने के बाद भी आपके माइंड में चीजें नहीं पड़ रही तो तुम लोग को पढ़ना बेकार है बेटा, ठीक है मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर इतना हमें हमारे टीचर हमें अगर पढ़ा देते, ठीक है, क्योंकि जब हम आईआईटी में पढ़ते तो आईआईटी में तो एक सांस में लेक्चर ले लेते थे, समझ में आए ना है, फिर तो बस सीनियर का ही सहारा होता था, है ना, सीनियर्स आर वेरी फ्रेंडली, बट आजकल का जो कल्चर है रैगिंग के नाम पे सीनियर जूनियर एक दूसरे को जानते ही नहीं है, है ना, बेफालतू की चीजें, जब तक रैगिंग होगी नहीं तब तक जान पहचान कैसी बनेगी, और आज भी जो है हमारे सीनियर्स हम लोग को कभी जरूरत पड़ती है तो दे आर ऑलवेज स्टैंड विद अस, नो प्रॉब्लम, किसी भी शहर में जाएंगे तो हमारे जान पहचान में जरूर हमारा कोई ना कोई सीनियर मिल जाएगा, यहाँ तक कि जूनियर भी मिल जाते हैं, जूनियर में ही होता है मिल जाते हैं तो फिर पैसा खर्च हो जाता है, सीनियर मिल जाते हैं तो बस सीनियरों का पैसा खर्च होता है, क्यों, लेकिन तुम लोग, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग अपने सीनियर्स को या फिर जूनियर्स को जानते हो, जानते हो तुम लोग, स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखिएगा, चलिए पीछे मैंने लिखा था आपको याद कराने के लिए, टेबल बनाइए, पीछे खोलिए अपनी कॉपी, नोट्स बना रहे हो कैसे, हवा हवाई चल रहा है, हवा हवाई चल रहा होगा तो फिर दिक्कत वाली बात है तुम लोगों के लिए, प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चले, जब मैं आपको जी पैरामीटर पढ़ा रहा था, देखिए जी पैरामीटर पढ़ाया था उससे पहले मैंने आपको याद कराने के लिए कुछ चीजें, जी पैरामीटर जहां मैंने पढ़ाया था आपको उससे पहले जी पैरामीटर की चीजें याद कराने के लिए मैंने आपको कुछ इनवर्स वाली चीजें बताई, यहां आ जाइए, देखिए नोट करके लिखाया था, जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर एक दूसरे के इनवर्स पैरामीटर होते हैं, जी पैरामीटर से पीछे पहुंचिए, ये देखिए ये जी पैरामीटर है, जहां मैंने आपको जी पैरामीटर स्टार्ट किया था उससे ऊपर मैंने आपको फार्मूले याद कराने के लिए एबीसीडी पैरामीटर में कन्वर्जन बताया था, एच और जी में कन्वर्जन बताया था, वाई और एच में कन्वर्जन बताया था, जेड और वाई में, उसके ऊपर मैंने नोट लिखा है, यहां आ जाइए, यहां आइए, देखिए नोट में क्या था,
जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर एक दूसरे के इनवर्स पैरामीटर, इसके आगे लिखे ये रिलेशन हमेशा ट्रू है, दिस इज ऑलवेज, ये रिलेशन हमेशा ट्रू है, इस रिलेशन में कोई शक नहीं है। अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम है, जेड पैरामीटर का इनवर्स ले लीजिएगा तो उसी टू पोर्ट नेटवर्क के वाई पैरामीटर आ जाएंगे। यदि आपको वाई मालूम है, वाई का इनवर्स ले लीजिएगा तो जेड आ जाएगा, 100% ट्रू है। नेक्स्ट मैंने दिखाया था एच पैरामीटर और जी पैरामीटर एक दूसरे के इनवर्स पैरामीटर होते हैं, ये रिलेशन भी ऑलवेज ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं है, ये रिलेशन कभी फेल नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के एच पैरामीटर मालूम है तो एच पैरामीटर का इनवर्स ले लीजिएगा तो जी पैरामीटर आ जाएगा, और अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क के जी पैरामीटर मालूम है, जी पैरामीटर का इनवर्स ले लीजिएगा तो उसी टू पोर्ट नेटवर्क के एच पैरामीटर आ जाएंगे। जो शॉर्टकट मैंने आपको बताए थे वो शॉर्टकट मैं आगे अभी ड्राइव करूंगा, ठीक है। यहां पर आइए, यहां मैंने लिखा था टी पैरामीटर और टी डैश पैरामीटर आर इनवर्स पैरामीटर, ब्रैकेट में लिखिए, ऐसा कब होगा, व्हेन गिवन टू पोर्ट नेटवर्क इज ए रेसिप्रोकल। अगर गिवन टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो उस टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर और टी डैश पैरामीटर एक दूसरे के इनवर्स होंगे। आगे ब्रैकेट में लिखना है इफ गिवन टू पोर्ट नेटवर्क इज रिप्रेजेंट ए रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क, अगर टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा तब तो ये रिलेशन बिल्कुल ट्रू है कि टी और टी डैश एक दूसरे के इनवर्स है, अदरवाइज ये रिलेशन ट्रू नहीं है। ये रिलेशन हमेशा ट्रू नहीं है कि टी और टी डैश एक दूसरे के हमेशा इनवर्स, गलत है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। टी पैरामीटर और टी डैश पैरामीटर एक दूसरे के इनवर्स तभी होंगे जब आपका गिवन टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा। अगर गिवन टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल नहीं है तो टी डैश का इनवर्स लेने पे टी डैश नहीं आएगा, टी का इनवर्स लेने पे टी डैश नहीं आएगा, फिर टी डैश का इनवर्स लेने पे टी नहीं आएगा। लेकिन आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है तो 99.99% हमेशा रेसिप्रोकल नेटवर्क देगा, और रेसिप्रोकल नेटवर्क अगर देगा तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स आ जाए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब चलिए, यहां पर मैंने याद करने के लिए कुछ बताई थी करंट वोल्टेज को, ये तो एच वाली है, इसमें भी यहां लिख लीजिए, यहां पर एबीसीडी और ए डैश बी डैश में मैंने लिखा था इनवर्स पैरामीटर, तीर लगा के, लेकिन ये रिलेशन कब ट्रू है, ये एक दूसरे के इनवर्स पैरामीटर कब होंगे, यहां पर इसे गोला लगाइए, ये एक दूसरे के इनवर्स पैरामीटर कब होंगे, व्हेन, जिस टाइम मैं तीर लगा रहा हूं उसी तो आएगा ना, व्हेन द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क इज रिप्रेजेंट ए रेसिप्रोकल नेटवर्क। अगर गिवन टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो टी और टी डैश एक दूसरे के इनवर्स होंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, नाउ वी विल टेक द वन क्वेश्चन। अच्छा, तुम लोग ने एक दो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप भेजे, तुम लोग केवीएल केसीएल नहीं लगा पा रहे हो, अब बोल रहे हो कि सर केवीएल से अलग आंसर है, केसीएल से अलग आ रहा है, भैया दोनों से सेम ही आंसर आएगा, आप लोग अपनी इक्वेशंस को देखें। अब ये मत मुझे भेजें कि सर इक्वेशन चेक कर लीजिए, मैं आप लोग की इक्वेशन चेक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब इतना तुम लोग को आइडिया होना चाहिए कि यार केवीएल केसीएल कैसे लगाते हैं, ऊपर कर दीजिए डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है ठीक है। केवीएल केसीएल चेक कराने के लिए जब ऑफलाइन खुलेगा तब कराइएगा, ठीक है। ये सब केवीएल केसीएल चेक कराने के लिए व्हाट्सएप पे मत भेजिए, अब केवीएल केसीएल खुद लगाना सीखिए, इतना सर ने पढ़ाया मेहनत से। कर रहे हैं बेटा, नीचे पहले इतना लिख लीजिए, मुझको क्यों भेजते हो केवीएल केसीएल, हाँ ये
अनीता, एक यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन करना है, एक यहाँ पर में मॉडिफिकेशन करना है और एक यहाँ। हिमांशु सर को भेजिए ना केवीएल केसीएल चेक कराने के लिए, फिर मजा आएगा तुम लोगों को। अनुराग सर को क्यों कर रहे हो, केवीएल केसीएल के लिए सर से चेक कराओ कि सर केवीएल केसीएल हमने सही लगाया कि नहीं लगाया। मैंने उनसे बोल दिया कि सर आपके लड़के केवीएल केसीएल नहीं लगा पा रहे, मुझको भेज रहे हैं, और मैं बोल दूंगा कि केवीएल केसीएल मुझको ना भेजे, आप ही को भेजे सर, उसमें केसीएल से नहीं आंसर आ रहा और केवीएल से आ रहा। बेटा वो क्वेश्चन मोहम्मद इरफान, वो क्वेश्चन बेटा मैंने करवाया है क्लास में, ठीक है। रिवर्स ये क्या लिखा है तुमने, रिवर्स थप्पन क्या होता है, थप्पन रिवर्स थप्पन पैरामीटर, ऐसा कोई पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता पंकज, लिख लिया हो तो आगे बढ़ें। अब देखो ये बेसिक चीज है, जिन्होंने पढ़ाया उन्हीं से आप चेक करवाएं, ठीक है, तब तुम लोग को मजा आएगा। अनुराग सर को तो तुम कच्ची लोई समझते, जो मन आए बस है भेज दिया जो है। तो मैंने सर से बोल दिया कि सर केवीएल केसीएल आपने पढ़ाया, जिन बच्चों को मैंने बेसिक पढ़ाया उनका मैं केवीएल केसीएल चेक कर दूंगा, ठीक है। बाकी कहा आपने पढ़ाया आप चेक करिए उनका केवीएल केसीएल, कहीं कोई प्लस में गलती कर रहा है, कहीं कोई माइनस में गलती कर रहा है। तुम लोग भी जो है नींद में जो है सॉल्व कर रहे होगे मेरी तरह दोपहर में है। चलो आ जाओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ठीक है, उसके बाद एक नोट लिखते हैं, समरी बना लेंगे, जिससे कि आपने छयो पैरामीटर की समरी आपके पास रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहां पर आप बात करते हैं फाइंड या फिर कैलकुलेट कैलकुलेट द टी डैश पैरामीटर ऑफ ए गिवन टू पोर्ट नेटवर्क, गिवन टू पोर्ट नेटवर्क के टी डैश पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ठीक है चलिए मैं आपको टू पोर्ट पैरामीटर, एक टू पोर्ट नेटवर्क दे देता हूं, चलो स्टार ही ले लेते हैं, इसी के निकाल लेते हैं, ठीक है। Now I can be consider a star connection. इसके मतलब जरा मुझे टी डैश पैरामीटर निकाल के बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कैलकुलेट करके मुझे बताएं। अब रैंडम सा आंसर दिए, पिछले साल तो मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था, लेकिन मैं तुम लोग को करा देता हूँ एक क्वेश्चन, चलो करके बताओ, करके बताओ, मुझे इसका आंसर आइडिया नहीं है कितना आएगा, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो ट्राई करो फिर करते हैं, यू कैन बी ट्राई दिस। ऑफलाइन की वैसे डेट 1 सितंबर है, बाकी मैं 16 तारीख को जब कोचिंग ऑफिशियली खुलती है तो एक बार मैं और आपको एग्जैक्ट डेट कंफर्म कर दूंगा, लेकिन अभी आप 1 सितंबर मान के चलें, और ऑनलाइन में जितना पढ़ाया गया है उसके आगे ही पढ़ाया जाएगा, एक सब्जेक्ट आपका ऑफलाइन चलेगा और एक सब्जेक्ट आपका ऑनलाइन भी चलेगा, ठीक है, तो दोनों ही चलेगा आपका,
और जो बच्चों का हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे ऑनलाइन भी वो टॉपिक चलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो ऑफलाइन पे पढ़ लेंगे वो ऑफलाइन वाला सब्जेक्ट आपका नहीं चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगा, प्लस आपका एक सब्जेक्ट ऑफलाइन प्लस एक सब्जेक्ट ऑनलाइन, और जो लोग नहीं आएंगे उनके दोनों सब्जेक्ट ऑनलाइन करें। तो वैसे इस समय तो बाढ़ आई हुई है बहुत तगड़ी, क्यों? तेरह को है ना? क्यों मैं 13 को है पीजीसीआई के पेपर 13 तारीख को? क्या हो गया ये? क्योंकि थोड़ा सा जो है स्क्रीन में दिक्कत है, आप तो क्वेश्चन करिए मेरे में स्क्रीन, आप लोगों में स्क्रीन दिखा रहा है मेरी? मेरे में नहीं है मतलब वहां से। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। चलिए, 37 ने मुझे भेज दिया था। अब प्रॉब्लम की अब ठीक हो गई बेटा, स्क्रीन में थोड़ा सा स्क्रीन चली गई थी बट फिर से आ गई है। 37 ने आंसर बताए हैं 1/2, 3/2, 1/2, -1/2। बेटा सतीश ये बताओ कि गिवन टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल है तो तुम्हारा ए और डी अलग, ए डैश और डी डैश अलग अलग कैसे आ रहा है? चलिए, कई लोगों ने आंसर दिए हैं, देखते हैं बेटा निवेदिता, क्योंकि मुझे खुद इसका आंसर नहीं मालूम, मैंने तो आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया है रैंडमली। ठीक है चलो निकालते हैं, बोर्ड पे आ जाओ, कंपेरिजन मेथड से निकाल लेंगे। कंपैरिजन मेथड से इसको निकाल दीजिए। चलिए मैं मान लेता हूं इसके मुझे इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर निकालने, तो मैंने इसके इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एलिमेंट मान लिया, पहले एलिमेंट माना ए डैश, दूसरा एलिमेंट माना बी डैश, तीसरा एलिमेंट माना सी डैश और चौथा एलिमेंट माना है डी डैश। ठीक है, तो मैं इसके इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में 2x2 का आएगा, पहला एलिमेंट होगा ए डैश, दूसरा एलिमेंट होगा बी डैश, तीसरा एलिमेंट होगा सी डैश, चौथा एलिमेंट होगा डी डैश। ठीक है, अब पैरामीटर निकालने हैं तो आप जो है इनपुट और आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज के रेफरेंस पोलरिटी और रेफरेंस डायरेक्शन को मार्क कर दो। तो रेफरेंस पोलरिटी इनपुट पोर्ट पे ऊपर प्लस नीचे माइनस, कितना वोल्टेज V1, दिस इज V1। ठीक है, और करंट कितना मानते हैं इनपुट पोर्ट में, दैट इज हमेशा इनसाइड द टू पोर्ट नेटवर्क, और I1 मानेंगे। इनपुट पोर्ट के एक टर्मिनल से I1 करंट इन करेगा तो दूसरे से I1 लीव भी करेगा। ठीक है, नाउ आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज के रेफरेंस पोलैरिटी प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, कितना वोल्टेज V2, दिस इज V2,
और बेटा करंट कितना होता है, दैट इज आई टू मानते हैं, हमेशा टू पोर्ट नेटवर्क में हमेशा इन करेगा, इन साइड द टू पोर्ट नेटवर्क। आउटपुट पोर्ट के एक टर्न में से आई टू करेंट इन करेगा तो दूसरे पोर्ट से आई टू करेंट क्या भी करेगा, लीक करेगा, ठीक है। चलो अभी आपको जो है टू पोर्ट नेटवर्क के एलिमेंट नहीं मालूम होना चाहिए, आपको इसके इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर निकालने से, तो मैंने इस टू पोर्ट नेटवर्क के इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर डिफाइन कर दिए। जैसे डिफाइन किए, तो अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क के इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर डिफाइन है तो आप V2 और I2 की वैल्यू डायरेक्टली ले सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2? V2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? V2 की वैल्यू आएगी बेटा A डैश V1 माइनस B डैश I1। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। और बेटा I2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? C डैश V1 माइनस D डैश I1। इसे तो इक्वेशन नंबर टू। अब आपको दो इक्वेशन लिखनी है बेटा, दो इक्वेशन। एक तो आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन में आपको V2 को V1 और I1 के फॉर्म पे लिखना है। अगर आप V2 को V1 और I1 के फॉर्म पे लिखने में सफल हो गए तो V1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? A डैश। और बेटा I1 का कोफिशिएंट हो जाएगा B डैश। और अगर आप I2 को V1 और I1 के फॉर्म पे लिखने में सफल हो गए, अगर I2 को आप V1 और I1 के फॉर्म पे लिखने में सफल हो गए तो V1 का जो कोफिशिएंट होगा C डैश होगा और I1 का जो कोफिशिएंट होगा D डैश। तो दो इक्वेशन मुझे चाहिए बेटा। तो अगर आप देखेंगे आपको V1 और I2 को लिखना है तो दो इक्वेशन आपको बनानी पड़ेंगे। अब आप देखेंगे आपको ये टू पोर्ट नेटवर्क दिया था, इतनी इन्फॉर्मेशन से आपने दो इक्वेशन निकाल ली। अब आपको सर्किट डायग्राम भी तो दिया है, तो सर्किट डायग्राम से भी आप दो इक्वेशन बना सकते हैं। फिर उन दोनों इक्वेशन को मैनिपुलेट करेंगे। कैसे मैनिपुलेट करेंगे? V2 को मैं V1 और I1 के फॉर्म पे लिखने की कोशिश करूंगा और I2 को मैं V1 और I1 के फॉर्म पे लिखने की कोशिश करूंगा। तो सर्किट डायग्राम से दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में KVL इक्वेशन बेटा मुझे आसानी से दिख रही है। KVL बना दे तो KVL में V दैट इज एक V1 आ जाएगा एक V2 आ जाएगा, तो V2 वाली इक्वेशन तो ये आ जाएगी। फिर V1 वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, I2 को ये फॉर्म पे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। KVL लिखने के लिए रजिस्टर में करंट लिखना पड़ेगा, तो चलो करंट लिखने की कोशिश करते हैं। यहां से I1 आएगा, यहां से I1, पोलैरिटी कैसी आएगी, प्लस माइनस। यहां से कितना करंट आएगा बेटा? यहां से I2 करंट आएगा, यहां से भी I2 करंट आएगा। ये दोनों करंट मिलके इस टू ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर देंगे, I1 प्लस I2। कितना करंट फ्लो कर देंगे, दिस इज I1 प्लस I2। फिर I1 प्लस I2 करंट इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, यहां पर चला जाएगा I1 और यहां पर आपका चला जाएगा I2। पोलैरिटी भी बना देते हैं बेटा, पोलैरिटी आएगी आपकी दैट इज नथिंग बट यहां पर करंट की वजह से प्लस माइनस और यहां पर करंट की वजह से प्लस। तो चलो पहली वाली में इसमें KVL लगाने जा रहा हूं, ठीक है, KVL लगाने जा रहे हैं, ठीक है। चलो कट कर लेते हैं फिगर को, KVL लगाने के लिए कट कर लेते हैं। चल फिगर को मैंने कट कर लिया, मैं आराम से KVL लगा सकता, ठीक है। चल पहले हम लोग जो है इनर वाले लूप में लगा रहे हैं, तो चलो यहां से लगाने स्टार्ट कर रहा हूं ना। यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से चल रहे हैं, पहले कौन साइन मिलेगा, दैट इज प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को मैं प्लस साइन के साथ लिखता हूं, कितना वोल्टेज होगा बेटा, दिस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस I1 इनटू 1। फिर आप आगे चलेंगे, फिर आप आगे चलेंगे कौन साइन मिलेगा बेटा आपको, प्लस साइन। इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिख देंगे, प्लस साइन। कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, फिर आप आगे चलेंगे तो कौन साइन मिलेगा, दैट इज माइनस साइन। तो इस वोल्टेज को आप माइनस साइन के साथ, माइनस वी वन। और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मेश कंप्लीट, एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एमएस और लूप कितना हो जाएगा, जी, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सही से लिखना, तो वैसे मुझे किसके फॉर्म पे लिखना था, मुझे V2 को I, V2 को V1 और I1 के फॉर्म पे लिखना था, V2 को और I2 को V1 और I1, I2 को V1 और I1 के फॉर्म पे लिखना। देखो दूसरी क्वेश्चन आपकी बन गई, हेलो यहाँ पर I2 को V1 और I1 के फॉर्म पे, यहाँ पर देखिए ये I2 है, I2 को V1 और I1 के फॉर्म पे लिखना। तो जरा इसको मैनिपुलेट करते हैं, नाउ दिस इज, यहां से आ जाएगा I1, यहां से आ जाएगा 2I1, यहां से आ जाएगा 2I2 माइनस V1 इक्वल टू जीरो। यहां से I2 की वैल्यू निकालते,
आई टू की वैल्यू, आई टू की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा 1/2 इंटू वी वन माइनस दिस इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 आएगा तो 3/2 आई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। 2 को 4 के साथ तो मैंने इसका नाम दे दिया है 4, ठीक है कोई बात नहीं, अभी थर्ड भी नाम दे देंगे आप, ये मत घबराइए। चलो अब बेटा मैं यहां पर इस वाले लूप में केवीएल लगाने जा रहा हूं, इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो वी टू की वैल्यू निकल आएगी। चलो लगाते हैं केवीएल, केवीएल बेटा हम यहां से लगाना चालू करें, यहां से कौन साइन पहले मिलेगा, दिस इज प्लस साइन, तो इस वोल्टेज को मैं प्लस साइन के साथ लिखूं, कितना करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलिए, फिर आप आगे चलेंगे कौन साइन मिलेगा, फिर से आपको प्लस साइन मिलेगा, तो इस वोल्टेज को आप प्लस साइन के साथ लिखेंगे, प्लस कितना वोल्टेज, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, फिर आप आगे चलेंगे कौन साइन मिलेगा, माइनस साइन, तो इस वोल्टेज को आप माइनस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। फिर आप आगे चलिए, जहां चले थे वहीं आ गए, मैथ्स कंप्लीट, अल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एमएस और लोड की। तो आप देखेंगे आपने आई टू को तो निकाल लिया, वी टू को लिखना है, तो चलो यहां से वी टू की वैल्यू निकालते हैं, तो वी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी टू इज इक्वल टू आ जाएगा 2i1 प्लस 3i2, ठीक है। लेकिन आपको जो है वी टू को वी वन और आई वन के फॉर्म पे लिखना था, वी टू को वी वन और आई वन, आई वन तो है, यहाँ पर आपको V1 चाहिए, मतलब I2 नहीं चाहिए, I2 को हटाना पड़ेगा, I2 को कहाँ से हटाएंगे, इस इक्वेशन से आप I2 की वैल्यू रख देंगे किसके फॉर्म पे, V1 और I1 के फॉर्म पे, तो ये पूरा V1 I1 आया, तो V2 मेरा V1 I1 के फॉर्म पे आ जाए। चलो रख दें यहाँ से, I2 की वैल्यू रख रहा हूँ बेटा, I2 की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ से आपके पास दिस इज द रिलेशन, दिस इज V2 इज इक्वल टू 2i1 प्लस 3, I2 की वैल्यू रख रहा हूं 1/2 इंटू वी वन माइनस 3/2 इंटू आई वन, तीन को अंदर ले जाओ, तीन को अंदर गुणा कर दो, तो दिस इज 2i1 प्लस 3/2 वी वन माइनस 9/2 इंटू आई वन। नाउ तो यहां से V2 की वैल्यू आ जाएगी, वी वन वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, और बेटा एलसीएम लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4i1 माइनस 9i1 बाई 2, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, v2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 इंटू वी वन माइनस इंटू आई 5/2 इंटू आई। नाउ दिस इज, मैंने v2 को क्या कर लिया, v2 को मैंने v1 और i1 के फॉर्म में, V2 को V1 और I1 के फॉर्म पे, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। बस कंपेयर कर लिया, अगर आपने यहां पर ध्यान से देखेगा, अगर V2 को आप V1 और I1 के फॉर्म पे लिखने में सफल हो गए तो बेटा V1 का कोफिशिएंट A डैश होगा और I1 का कोफिशिएंट B डैश। V2 को मैं V1 और I1 के फॉर्म पे लिखने में सफल हो गया तो बेटा V1 का कोफिशिएंट हो जाएगा A डैश और बेटा I1 को कोफिशिएंट हो जाएगा B डैश। और अगर बेटा आप I2 को, अगर आप I2 को V1 और I1 के फॉर्म पे लिखने में सफल, V1 का कोफिशिएंट हो जाएगा C डैश और I1 का कोफिशिएंट हो जाएगा D डैश। तो नाउ दिस इज, I2 को आपने क्या किया, I2 को आपने V1 I1 के फॉर्म पे लिख लिया तो बेटा V1 का कोफिशिएंट हो जाएगा C डैश और बेटा I1 का कोफिशिएंट हो जाएगा D डैश। यहां से आपके पास आपके पैरामीटर आ जाएंगे, तो नाउ दिस इज योर A dash, B dash, C dash, D dash parameter matrix, matrix form पे लिखना 2x2। A की वैल्यू आ रही है 3/2, B की वैल्यू आ रही है बेटा 5/2, C की वैल्यू आ रही है 1/2 और D की वैल्यू आ रही है 3/2। अब यहां से आप देख सकते हो symmetrical और reciprocal के बारे में, मेरे ख्याल में most of the लोगों का सही है। अब आपको दिख रहा होगा चूंकि बेटा A dash और डी डैश बराबर है तो गिवन टू पोर्ट नेटवर्क कैसा होगा, सिमेट्रिकल, चूंकि ए डैश इज इक्वल टू डी डैश, सो दैट द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क रिप्रेजेंटेड
सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क, सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क। फिर हम कैलकुलेट करेंगे ए डैश डी डैश माइनस बी डैश सी डैश, इसकी वैल्यू। ए की वैल्यू बेटा कितनी है, ए की वैल्यू है बेटा 3/2, बी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5/2 और बेटा सी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो दिस इज नथिंग बट द 9/4 माइनस 5/4, दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 5/4, तो दिस इज इक्वल टू 4/4 एंड दिस इज वैल्यू इक्वल टू 1। तो आपको दिख रहा होगा चूंकि ए डैश डी डैश माइनस बी डैश सी डैश की वैल्यू 1 है, सो दैट द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क represents a reciprocal two port network। ठीक है, इस चीज को आप फिगर से भी देख सकते सर, एक बार I1 0 V1 0 मान, अच्छा इन दोनों को जीरो करके करते हैं, चलो कर देते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते तुम लोग, चलो कर देते हैं, सीधे टीचर को पाके तुम लोग जो है गलत फायदा उठा रहे हो ना सर। स्क्रीन चली गई है बेटा, अगर स्क्रीन चली, स्क्रीन मेरे पास तो बिल्कुल आ रही है, आप बेटा लॉग आउट करके फिर से इन करो जल्दी से, विमल लॉग आउट करके फिर से इन कर लो, नहीं सर पूछ रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ, घबराओ नहीं, इतना लिख लो और सर्किट से भी ये चीज आ जाएगा वैसे भी आंसर, हो गया सर, चल हो गया। अच्छा जो मैंने सर्किट डायग्राम किया था वहां से भी तो तुम लोग को दिख रहा था कि सिमेट्रिकल है, नहीं है, हेलो प्लेनर नेटवर्क का बी से कट करोगे दो इक्वल पार्ट में आ जाएगा, तो यहां से भी दिख रहा था ये सिमेट्रिकल ही था, ये कैसा नेटवर्क था, सिमेट्रिकल था, अगर सिमेट्रिकल था सो दैट ए डैश इज इक्वल टू बी डैश आना चाहिए, और रजिस्टर लगे तो रेसिप्रोकल भी था, ये कैसा था रेसिप्रोकल, कैसा था ये रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल था, सो दैट जब मैं इसके ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पैरामीटर निकालूंगा तो ए डैश डी डैश माइनस बी डैश सी डैश की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, पर 1 ही आ रही थी। ठीक है चलो, अब कह रहे हैं कि करा दीजिए एक बार, शायद मैंने उसमें भी नहीं कराया था एबीसीडी में, तो चलो मैं एक करा देता हूं, बार बार मत पूछिएगा ठीक है, बाकी आप अपने मन से कर लीजिएगा, कंडीशन अप्लाई करो। चलिए एक बार आपको इनपुट पोर्ट को सॉर्ट करने, एक बार इनपुट पोर्ट को ओपन कर देना, ठीक है चलो। पहले तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेंगे कि भाई कौन सा रेशियो क्या देता है, क्योंकि तो मुझको याद नहीं रहता है, ठीक है टाइम थोड़ा लगता है बट यू कैन बी टेक इट कि आपका आंसर तो नहीं गलत होगा। चल मैं फिगर को पहले थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूं, चलो केस नंबर 1। पहले तो हम लोग इसके टी डैश पैरामीटर मान लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख रहा हूं ए डैश बी डैश सी डैश और टी डैश। अगर आपको टू पोर्ट नेटवर्क के ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पैरामीटर डिफाइन कर रखे हैं तो V2 और I2 की वैल्यू लिख सकते हैं, V2 की वैल्यू कितनी आएगी A डैश V1 माइनस B डैश
आई जैसे देख क्वेश्चन नंबर वन, और आई टू की बेटा वैल्यू कितनी आएगी, सी डैस डी वन माइनस डी डैस आई, जैसे देख क्वेश्चन नंबर टू। एक बार आप किसको जीरो करने वाले बेटा, आई वन को जीरो करने वाले, तो केस नंबर वन, केस नंबर वन व्हेन आई वन इज जीरो, आई वन जीरो करने का मतलब दैट इज इनपुट कोड इज ओपन सर्किटेड। जब आप इनपुट कोड को ओपन सर्किट कर देंगे, हेलो आई वन को जीरो कर देंगे, तो दो पैरामीटर निकलेंगे ए डैश और सी डैश, देन ए डैश एंड सी डैश पैरामीटर्स बेटा इसका टी डैश पैरामीटर सेम नहीं आता है, ये आपका रेसिप्रोकल नेटवर्क है, तो टी डैश का जब हम इनवर्स लेंगे, टी डैश पैरामीटर का इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आपको टी पैरामीटर मिल जाए इनवर्स लेने पे, ठीक है, सेम नहीं आएगा। इनवर्स लेना मैं आपको बताऊंगा, घबराइए नहीं अब से, ठीक है। आर पैरामीटर आर कैलकुलेटेड, आर कैलकुलेटेड कितनी आएगी बेटा, जरा ए डैश की वैल्यू बताओ, ए डैश क्या आ जाएगा, वी टू बाई वी वन का रेशियो निकालना है, और बेटा सी डैश की बेटा वैल्यू कितनी आएगी, सी डैश की वैल्यू आएगी आई टू बाई, ठीक है। चलो यहां जाओ, चलो मुझे क्या करना है बेटा, मुझे I1 को जीरो करना है, इनपुट पोर्ट को ओपन करना है, I1 जीरो होने का मतलब यहाँ कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा, ठीक है। चलो दो इक्वेशन आपको बनानी है, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये ओपन सर्किट है टर्मिनल, अगर ये ओपन सर्किट है तो यहाँ कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा जो V1 वोल्टेज है वो किसके क्रॉस आ जाएगा, 2 ओम के रजिस्टर के क्रॉस, हेलो 2 ओम के रजिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज आ जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए V1, ठीक है। करंट दो इक्वेशन लिखनी, करंट देखते ये I2 करंट ऐसे फ्लो करेगा, I2 करंट पोर्ट वन ओपन है, I2 करंट आगे नहीं जाएगा, I2 करंट यहां नहीं जाएगा, पूरा पूरा I2 करंट 2 ओम से निकल जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I2, पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस, पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। हेलो दो इक्वेशन बनानी, हेलो तीन वेरिएबल है बेटा, हेलो एक दो तीन वेरिएबल, आई वन तो खत्म हो गया, तीन वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन, दो इक्वेशन, केवीएल है, एक केवीएल ये बना दूंगा, और एक आप देखेंगे रजिस्टर का वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है, रजिस्टर ओम्स लॉ लगा दूंगा तो ये वोल्टेज भी आ जाएगा, दो इक्वेशन बनानी थी, पहली इक्वेशन में बनाने जा रहा हूं, यहां देखें पहली इक्वेशन यहां पर केवीएल से बना रहा हूं, ठीक है, केवीएल से बनाएंगे तो कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन, दिस इज प्लस, कितना वोल्टेज मिलेगा बेटा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, फिर आप आगे चलेंगे कौन सा साइन मिलेगा, दिस इज प्लस साइन, इस वोल्टेज को भी प्लस साइन के साथ लिखते हैं, कितना वोल्टेज, करंट इनटू रेजिस्टेंस, दिस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, फिर आप आगे चलेंगे कौन सा साइन मिलेगा, दिस इज माइनस साइन, तो इस वोल्टेज को आप माइनस साइन करते माइनस वी टू, और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मैथ्स कंप्लीट, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एमएस और कितना हो जाएगा जी, कौन कौन सा रेशियो निकालना है आपको, आपको रेशियो निकालना है V2 और I2, V2 और I2 का, और एक रेशियो निकालना है I2 और V1 का। चलो एक इक्वेशन आ गए, चलो V2 की वैल्यू लिख लेते हैं, V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 I2, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन, हेलो यहां देखो, ये रजिस्टर आपके 2 ओम के रजिस्टर का वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है, रजिस्टेंस, रजिस्टर का वोल्टेज करंट और रजिस्टेंस कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को, रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रजिस्टेंस, या फिर आप देखेंगे इस रजिस्टर का करंट मालूम है, रजिस्टेंस मालूम है, तो वोल्टेज निकाल सकते हैं, और बेटा इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, दोनों एक ही लिमिट के वोल्टेज है, कंपेयर कर देंगे, इस तरह कर सकते हैं, रजिस्टर का वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस ओम्स लॉ द्वारा फॉलो करते हैं, तो दैट इज रजिस्टर का वोल्टेज कितना है, V1, रजिस्टर का वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, रजिस्टर का करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो यहां से आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 I2 आ गई,
दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल थे, दो इक्वेशन बनानी थी, अब रेशियो निकाल सकते हैं। कौन सा रेशियो थे? v2/i1। हेलो, v2/v1 का रेशियो चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर वन और टू को डिवाइड कर दो, वन और टू को डिवाइड कर दीजिए, तो v2/v1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? हेलो, 3i2 डिवाइडेड बाई 2i2, i2 से i2 कट, कितना आ जाएगा? 3/2। हेलो, v2/v1 कौन सा पैरामीटर है? a' पैरामीटर। अब कौन सा रेशियो निकालना है बेटा? अब आपको रेशियो निकालना है i2/v1। हेलो, i2/v1 यहीं से निकाला है, i2/v1, i2 को उधर, v1 को उधर लेके जाइए, 2 को उधर लेके, तो i2/v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। और बेटा i2/v1 का रेशियो क्या है? c' पैरामीटर। दिस इज द c' पैरामीटर, और यूनिट क्या होगी? मो, ये आपका c' आ गया। चेक कर लीजिए इतना ही आ रहा था कि नहीं आ रहा था। नाउ यू कैन बी चेक, नो प्रॉब्लम। कंडीशन अप्लाई करने के बाद तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है, इक्वेशन सिंपल बनती है। हमेशा जब भी कंडीशन अप्लाई करेंगे, तीन वेरिएबल होंगे, दो इक्वेशन बनानी हो। अब वो दो इक्वेशन आपको देखना है कि कौन कौन सी होंगी। एक और अप्लाई कर देते हैं। अब मैं आउटपुट पोर्ट को सॉर्ट करने, दैट इज इनपुट पोर्ट को सॉर्ट करने वाला, वी1 को जीरो करने वाला। इतना लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखें। अच्छा, केस नंबर टू। अब मैं क्या करने वाला हूं बेटा? मैं v1 को जीरो, मतलब इनपुट पोर्ट को सॉर्ट करने वाला हूं। फिर दो पैरामीटर आएंगे, दैट इज v' एंड d', माइनस के साथ आएंगे। चलो देख रहा हूं, केस नंबर टू माइनस है, तो तुम लोग घबरा गए होगे कि सर कैसे आएगा। केस नंबर टू ध्यान से देखिए, अब दैट इज v1 को जीरो कर देंगे, दैट इज इनपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, जब आप इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तब दो पैरामीटर आ जाएंगे, देन b' एंड d' पैरामीटर्स आर कैलकुलेटेड, और उनकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? b' की वैल्यू बताए, b' की वैल्यू की माइनस v2/i1। b' कितना हो जाएगा? b' हो जाएगा माइनस v2/i1 का रेशियो, और d' कितना हो जाएगा? d' हो जाएगा माइनस i2/i1 का रेशियो। इक्वेशन आपके पास है, देख लीजिए यही आएगा। चलो निकालने की कोशिश करते हैं, सर्किट को लेके आते हैं, इनपुट पोर्ट को सॉर्ट करते हैं। चलो सर्किट मैं निकाल रहा हूं, यहां चलिए इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं फिगर को। जितनी देर में साफ करूंगा उतने में तो मैं नया बना लूंगा, है ना? तो मैं नया ही बना लेता हूं, इतनी देर लगेगी इसको साफ करने को। चल नया ही बना लेता हूं। दिस इज i1, केवल इनपुट पोर्ट के को सॉर्ट करना है। यहां पर देखें आप लोग, नाउ इनपुट पोर्ट पे वोल्टेज था v1, करंट था i1, फिगर में जल्दी बना रहा हूं। दिस इज v2, करंट इज i2, दिस इज 1 ओम, दिस इज अगेन 1 ओम, दिस इज 2 ओम। शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने का मतलब v1 की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 0। v1 की 0 होने का मतलब
इनपुट पोर्ट को शॉर्ट कर दी हो, ठीक है, दिस इज शॉर्ट सर्किट। इनपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किट मतलब वोल्टेज अक्रॉस इनपुट पोर्ट इज जीरो। इसको हटा देता हूं, ये तो जीरो हो गया। अब तीन वेरिएबल है, रेशियो चाहिए तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगे। अब दो इक्वेशन कोई सी भी देख लीजिए, तो पहले तो करंट लिख आते हैं, तो केवीएल इक्वेशन हमें ज्यादा सही समझ में आती है। यहां से आपका I2 आएगा, यहां से आपका I2 आएगा, यहां से आपका I1 आएगा, ये दोनों मिलकर कितना करंट फ्लो करा देंगे यहां पर, I1 प्लस I2, फिर यहां पर I1 प्लस I2, यहां पर चला जाएगा I1, यहां पर चला जाएगा I2। दो केवीएल इक्वेशन लिख डालो, एक यहां पर लिख डालो और एक यहां पर लिख डालो, बस हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। इतना पढ़ाने के बाद तुम लोग जो है मुझसे इतना क्वेश्चन करवा रहे हो, तुम लोग को सर नहीं आ रही है, इस सर बेचारे इतनी मेहनत करके जो है फिर बताएंगे, तो से नहीं ट्राई कर सके। दो इक्वेशन केवीएल बनाने में बताओ, देखो तुम लोग यहाँ एक केवीएल, यहाँ एक केवीएल, दो इक्वेशन है, उनको आपस में सॉल्व करके रेशियो निकालना। चलो यहां मैं केवीएल लगा रहा हूं, यहां से लगा रहा हूं, यहां देखो दिस इज प्लस, यहां पर इस वोल्टेज को प्लस साइन, कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर हम आगे चलेंगे, कौन सा साइन मिलेगा, दिस इज प्लस साइन, तो इस वोल्टेज को प्लस साइन के साथ कितना वोल्टेज, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलें, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मैथ्स कंप्लीट है, अल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एमएस सॉल्व कितना हो जाएगा, आपको देखो हेलो रेशियो चाहिए I2 / I1, I1 I2 के बीच में रिलेशन है, आ जाएगा रेशियो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा I1, यहां से आ जाएगा 2I1, यहां से आ जाएगा 2I2 equal to 0, तो 3I1 plus 2I2 equal to 0, I2 by I1 चाहिए तो I1 को वहां लेके जाओ, आ जाएगा माइनस 3I1। चलो I2 by I1 का पहले रेशियो निकालते हैं, I2 by I1 का रेशियो कितना आ जाएगा, माइनस 3 बटे 2। लेकिन जरा तुम देखो, तुम्हें जो है माइनस I2 by I1 का रेशियो क्या कहलाएगा, T-dash। तो यहां पर आप माइनस से दोनों, माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई तो कोई अंतर थोड़ा आएगा, मैं दोनों साइड माइनस वन से गुणा कर देता हूं, मल्टीप्लाइड बाई बोथ द साइड, सेम नंबर से दोनों साइड गुणा करने से कोई अंतर नहीं आएगा, मल्टीप्लाइड बोथ साइड विद माइनस वन, मैं माइनस वन से दोनों साइड गुणा किए दे रहा हूं, जैसे जो माइनस वन इंटू I2 by I1 is equal to minus 1 गुणे minus 3 बटे 2, तो यह हो जाएगा बेटा minus I2 by I1 is equal to कितना हो जाएगा, ये 3 बटे minus I2 by I1, ये कौन सा पैरामीटर, D dash पैरामीटर है, तो D dash आ गया, this is your D dash, चेक कर लो 3 बटे 2 ही आ रहा था, चेक कर लो पीछे अगर किसी को शक हो, D dash आपका था minus I2 by I1 करें माइनस I2 by I1 का रेशियो D dash था, या फिर इस माइनस को आप इधर ले आते तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो एक तो KVL यहां लगाया, एक KVL यहां लगाने वाले हैं, यहां लगाने के बाद आपको कौन सा रेशियो चाहिए, V2 by I1 का रेशियो। चलो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जरूरत पड़ेगी भी हो सकता है, दो इक्वेशन बनानी थी, एक इक्वेशन तो ये बना ली, उसी इक्वेशन को सॉल्व करके ये निकाला है, ठीक है। चलो यहां पर केवीएल लगा रहे, ध्यान से अब देखें, यहां पर केवीएल लगाने जा रहे हैं, यहां पर यहां से चल रहे हैं, यहां से यहां से यहां से चल रहे हैं, कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन, इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिखेंगे, प्लस साइन, कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चले, एक हेलो बातें कर लीजिए, तो सही तो सही तो सही है,
चलिए, तो यहां पर आपके पास यहां से चल रहे थे, चलते चलते पहले कौन सा एंड मिला, प्लस साइन, फिर आप आगे चले कौन सा एंड मिलेगा, दिस इज अगेन प्लस साइन मिलेगा, तो इस वोल्टेज को भी प्लस साइन के साथ देगा, कितना वोल्टेज, करंट इनटू रेजिस्टेंस, फिर आप आगे चलिए कौन सा साइन मिलेगा, दिस इज माइनस साइन मिलेगा, तो इस वोल्टेज को माइनस साइन के साथ लिख देंगे, और जहां से चले थे वही बोलते हैं मेस कंप्लीट अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एमएस और इक्वल टू जीरो, क्या निकाल रहे थे तुम्हें, तुम्हें निकालना था V2 और I1 का रेशियो, V2 और I1 का रेशियो, तो I2 को हटाना पड़ेगा, I2 कहां से हटाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हटा देंगे I2, हेलो V2 / I1 का रेशियो निकालना है, इक्वेशन नंबर 1 यूज आएगी, तो V2 लिख लेते हैं पहले, V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 I1 प्लस 3 I2, चलो I2 की वैल्यू यहां से निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां से मैंने I2 की वैल्यू निकाली, मुझे V1 / I1 का रेशियो चाहिए, V2 / I1 का रेशियो चाहिए, तो I2 को हटाना पड़ेगा, तो I2 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 से निकालो, क्या वैल्यू आएगी बेटा I2 की, यहां से माइनस 3 बटे 2 I1, इस वैल्यू को यहां रखो, जब रखोगे तो ये आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 2 I1 प्लस 3 माइनस 3 बटे 2 I1, LCM ले लेते हैं, तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 I1 माइनस के 9 I1 डिवाइडेड बाई टू, यहां से V2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पांच बटे दो आई वन, ठीक है, आपको कौन सा रेशियो चाहिए था? ध्यान से देखें, माइनस V2 / I1, तो पहले I1 को यहां लिया, V2 / I1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पांच बटे दो, दोनों साइड माइनस वन से गुणा करो, दोनों साइड अगर सेम नंबर से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, मैंने दोनों साइड माइनस वन से गुणा कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस V2 / I1, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द 5 / 2, और माइनस V2 / I1 का जो रेशियो है वो ही कौन सा पैरामीटर है, दिस इज V डैश पैरामीटर, दिस इज V डैश, तो यहां से आप निकाले A डैश B डैश C डैश D डैश, A की वैल्यू आ रही थी बेटा 3 बटे 2, B की वैल्यू आ रही 5 बटे 2, उसकी वैल्यू आ रही थी 1 बाई 2 और इसकी वैल्यू आ रही थी, देखिए सेम पैरामीटर आ रहे हैं, यूनिट अगर कोई लिखना चाहे तो ये ओम होगा, ये यूनिट लेस होगा, और यहां पर सी डैश की कोई यूनिट लिखना चाहे ये मो लिखी हुई है, नोट कर ले, चलिए अभी एक टेबल बना लीजिए जिसमें से अगर मान लीजिए कोई टू पोर्ट नेटवर्क है, अगर मैं उसको छह पैरामीटर, किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को छह पैरामीटर के हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, अब छह पैरामीटर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, पैरामीटर कैलकुलेट करने के बाद तब जो है आपका टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा, तब रेसिप्रोकल होगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंडीशन क्या हो, तो उसकी एक टेबल बना लीजिए, इस टेबल को देख के आप सारे के सारे पैरामीटर, अगर मैं जेड पैरामीटर के डिफाइन करता हूँ तो जेड पैरामीटर के लिए क्या कंडीशन होगी, टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा, रेसिप्रोकल होगा, वाई के लिए क्या कंडीशन होगी, एच के लिए क्या कंडीशन होगी, जी के लिए क्या कंडीशन होगी, टी पैरामीटर के लिए क्या कंडीशन होगी, और आपका दैट इज टी डैश के लिए क्या कंडीशन होगी, वैसे मैं आपको बता चुका हूं, चलिए अब एक टेबल बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए टेबल रख दे, चलिए लिखिए, ठीक है, यहां पर मैं आपका पैरामीटर लिख रहा हूं, किस पैरामीटर की बात करूं, अगर मैं टू पोर्ट नेटवर्क को जेड पैरामीटर से डिफाइन करूंगा तो सिमेट्रिकल होने की क्या कंडीशन होनी चाहिए, जेड पैरामीटर में रेसिप्रोकल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ब्लैक कर दीजिए, अच्छा बैक कर दो, अच्छा लिख रहे थे क्या, टेबल नहीं बनाए हैं बेटा, टेबल हम लोग जो है सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल की नहीं बनाए, टेबल हम बनाए थे किस पैरामीटर में कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कौन सा डिपेंडेंट होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अगर कोई टू पोर्ट नेटवर्क जेड पैरामीटर के हम से डिफाइन किया गया तो सिमेट्रिकल कब होगा, जेड पैरामीटर के केस में जब जेड वन वन
Z22 के बराबर होगा, तो सिमेट्रिकल होगा। रेसिप्रोकल होने की क्या कंडीशन है? Z12 Z21 के बराबर होगा, तो गिवन टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिक। वाई पैरामीटर अगर की हेल्प से डिफाइन कर रखा है तो आप सिमेट्रिकल होने के लिए क्या कंडीशन होती है वाई पैरामीटर में, दैट इज Y11 इज इक्वल टू Y22, और बेटा रेसिप्रोकल के लिए Y12 इज इक्वल टू Y21 होना चाहिए। उसके बाद अगर एच पैरामीटर की हेल्प से डिफाइन कर रखा है तो एच पैरामीटर के केस में कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल होने के लिए कंडीशन क्या है, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ एच पैरामीटर मैट्रिक्स कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और रेसिप्रोकल होने के लिए H12 बराबर होना चाहिए -H21 के लिए। जी के लिए भी सेम थिंग, ठीक है, और टी और टी डैश तो मैंने भी आपको आज ही बताई है, ठीक है। तो नाउ टेबल बनाए बेटा, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं पैरामीटर, किस पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हैं, तीन कॉलम बनेंगे, यहां पर सिमेट्रिकल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क के लिए, और रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, चल चलिए मान लीजिए मेरे पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है जिसको मैं किस पैरामीटर के अनुसार डिफाइन कर रहा हूं, जेड पैरामीटर। एक टू पोर्ट नेटवर्क है जिसको मैंने जेड पैरामीटर के हिसाब से डिफाइन करा। जेड पैरामीटर के हिसाब से जब आप डिफाइन करेंगे किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को तो सिमेट्रिकल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, जेड पैरामीटर के केस में कोई टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल तभी होगा जब Z11 पैरामीटर एलिमेंट Z22 पैरामीटर एलिमेंट के बराबर है। जब आप किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को जेड पैरामीटर के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं तो इन द केस ऑफ जेड पैरामीटर कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल कब होगा, जब Z11 Z22 के बराबर होगा। रेसिप्रोकल होने के लिए कंडीशन क्या होती है, Z12 किसके बराबर होना चाहिए, Z21 के बराबर। तो अगर Z पैरामीटर में Z11 Z22 के बराबर है तो सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क है, और Z12 अगर Z21 के बराबर है तो रेसिप्रोकल है। अगर मैं अपने टू पोर्ट नेटवर्क को वाई पैरामीटर की हेल्प से डिफाइन कर रहा हूं तो y पैरामीटर के केस में कोई टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब उसका Y11 पैरामीटर एलिमेंट Y22 पैरामीटर एलिमेंट के बराबर होगा, और रेसिप्रोकल कब दिखाएगा, जब Y12 बराबर होगा Y21। हेडिंग दिखा दीजिए, हेडिंग कुछ नहीं है, हेडिंग यही है बेटा, टेबल बनाना है। अच्छा हेडिंग लिखना है क्या तुम लोगों को, लिख लो हेडिंग भाई, कंडीशन फॉर ए सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क। कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल कब होगा, उसकी कंडीशन। जेड पैरामीटर के केस में ये कंडीशन है सिमेट्रिकल के लिए, रेसिप्रोकल के लिए। वाई पैरामीटर के केस में ये कंडीशन है सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल के केस में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आप अपने टू पोर्ट नेटवर्क को एच पैरामीटर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। एच पैरामीटर के केस से अगर डिफाइन कर रहे हैं तो सिमेट्रिकल होने के लिए कंडीशन है, दैट इज H11 इंटू H22 माइनस H12 इंटू H21 किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, ठीक है। तो ठीक है चलिए, नेक्स्ट थर्ड, अगर आपने अपने टू पोर्ट पैरामीटर को एच पैरामीटर की हेल्प से डिफाइन करा, एच पैरामीटर की हेल्प से जब डिफाइन करेंगे तो कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल तभी होगा एच पैरामीटर के केस में, जब H11 इंटू H12 माइनस H21 इंटू H12 की वैल्यू कितनी हो जाए, 1, या फिर
डिटर्मिनेंट ऑफ एच पैरामीटर मैट्रिक्स कितना हो? 1 के बराबर। एच पैरामीटर के केस में सिमेट्रिकल होने की ये कंडीशन है। रेसिप्रोकल होने के लिए एच वन टू बराबर होना चाहिए माइनस टाइम्स ऑफ एच टू वन। दिस इज द कंडीशन। जी पैरामीटर के केस में सिमेट्रिकल होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर आप अपने टू पोर्ट नेटवर्क को जी पैरामीटर की हेल्प से डिफाइन कर रहे हैं तो जी पैरामीटर के केस में कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल तभी होगा जब G11 इंटू G22 माइनस G12 इंटू G21 कितना हो जाए? 1। या फिर इसी को बोलते हैं दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ जी पैरामीटर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ जी पैरामीटर मैट्रिक्स कितना आ जाएगा? और रेसिप्रोकल कब होगा? जब G12 किसके बराबर हो? माइनस टाइम्स ऑफ G21। H11 इंटू H22। अच्छा, ओके, यहाँ H22 होगा। ठीक है, देखे रहो बेटा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। हो सकता है दोपहर में नींद आने की वजह से मैं आपको कहीं गलत लिख जाऊं। दोपहर में पढ़ते समय बिल्कुल सावधान रहें, मुंह से मैं सही बोलता हूँ लिखता गलत होगा, इसलिए आप अपने कानों और आंखों का सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल ध्यान रखें कि सर ने बोला क्या हो लिखा क्या है। देखो सब लोग अपनी कॉपी देख रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं लिखा दिया सर ने? क्यों अनुष्का, तो अपनी कॉपी देख रही थी कि सर ने सही लिखा है कि नहीं लिखा है? चलो नेक्स्ट, चलो पांचवा। टी पैरामीटर के केस में, मतलब टी पैरामीटर से ज्यादा फेमस नाम है एबीसीडी पैरामीटर। अगर आप अपने टू पोर्ट नेटवर्क को एबीसीडी पैरामीटर की हेल्प से डिफाइन कर रहे हैं तो आपका गिवन टू पोर्ट नेटवर्क एबीसीडी पैरामीटर के केस में सिमेट्रिकल कब होगा? कंडीशन क्या है? जब ए की वैल्यू डी के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिकल होगा। और रेसिप्रोकल होने के लिए एडी माइनस बीसी कितना होना चाहिए? 1। या फिर इसी को बोल सकते हैं दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी पैरामीटर मैट्रिक्स कितना होना चाहिए? 1। एंड दिस इज द लास्ट केस, दिस इज 6, दिस इज टी डैश पैरामीटर के केस। टी डैश पैरामीटर या फिर ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पैरामीटर, आपका सिमेट्रिकल कब होगा? आपका टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल तब होगा जब ए डैश पैरामीटर किसके बराबर आ जाए? डी डैश पैरामीटर के। और रेसिप्रोकल कब होगा? जब ए डैश इंटू डी डैश माइनस बी डैश सी डैश की वैल्यू कितनी हो? 1। या फिर आप बोल सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पैरामीटर मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आ जाए? 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पैरामीटर मैट्रिक्स कितना होगा? दिस इज द कंडीशन। ये सारी कंडीशन है, ऑब्जेक्टिव में कंडीशंस पूछी जाती है। नेक्स्ट, एक स्टैंडर्ड सर्किट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड लैटिस नेटवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना। ठीक है, यहां पर मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, लास्ट में आपको रिजल्ट याद रख लेना। लैटिस नेटवर्क क्या होता है और उसके जेड पैरामीटर पूछे जाते हैं। लैटिस नेटवर्क, हेडिंग डाल लीजिए लैटिस नेटवर्क। ठीक है, इसको सेकंड वाली क्लास में करेंगे, थोड़ा सा मुझे काम है। तो नेक्स्ट क्लास 4:30 बजे से, साढ़े
चार बजे इस टॉपिक को पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और 4:30 बजे इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज लेटेस्ट नेटवर्क पूरा कंप्लीट करने के बाद ही क्लास छोड़ूंगा, नेक्स्ट क्लास मेरे छोड़ने के बाद ही होगी। तो नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग आपकी 4:30 बजे, 4:30 बजे मिलते हैं लेटेस्ट नेटवर्क के साथ, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।